नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। लंच या डिनर में इस तरह के बैंगन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए खाने का। हमने आपके लिए बनाए हैं मसालेदार फ्राइड बैंगन। ये बहुत टेस्टी बैंगन बनते हैं और बहुत ही जल्दी से बनते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं ये हमने आपके लिए कैसे बनाए हैं। सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे हमने बटर लिया है और साथ ही हमने यहाँ पे ग्रीन चिल्ली, लहसुन और धनिया पाउडर लिया है। इसको हमने दरदरा कूट लिया था धनिए को, ये हम डाल देते हैं। और साथ ही इसमें रेड चिल्ली पाउडर मिलाएंगे। और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। जो हम बटर यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्ट है, इसलिए कम ही डालना है आपने नमक। और साथ ही इसमें फ्रेश धनिया मिलाएंगे। ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बैंगन बन रहे हैं। अच्छे से मसाला मिक्स हो जाना चाहिए। ये मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने बैंगन लिया, इसको हम कट करेंगे। राउंडर्स में हमने इसको कट करना है। आधा इंच साइज होना चाहिए कटिंग का, ये आप देखिए ऐसे हमने कट करना है। जो भी बैंगन आप खरीदे ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, मीडियम साइज के ही होने चाहिए। आप देख सकते हैं हमने कट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐसे हमने निशान लगाने हैं, ये आप देख रहे होंगे। ऐसे लगाने के बाद जो हमने मसाला बनाया था वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छे से लगा देंगे, मसाला अंदर तक चला जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बैंगन बन रहे हैं। अगर आप लंच या डिनर बना रहे हैं, एज ए साइड डिश आप इसको बना सकते हैं। ऐसे हम सारा मसाला कोट कर देंगे। सारे बैंगन हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। आगे मसाले वाले बैंगन बनाने के लिए यहाँ पे हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। शैलो फ्राई हमने करना है बैंगन को, डीप फ्राई नहीं करना। बैंगन पे हमने सारा मसाला लगा लिया था, अब एक एक करके हम बैंगन रखेंगे। जो मसाले वाली साइड है वो ऊपर रखनी है हमने। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। इसको तब तक कुक करना है जब तक कि ये अच्छी तरह से पक ना जाए बैंगन। अब हम इसको कवर करेंगे। कवर करके हमने कुक करना है। 5 मिनट के करीब लगते हैं एक साइड कुक होने में, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको हम कवर कर देते हैं। पाँच मिनट हो गए हैं बैंगन को कुक करते हुए। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। खोल के ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये आप देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। बहुत ही टेस्टी ये बैंगन बन रहे हैं। इस तरह से आप बनाएं। इसको भी कवर करके हम कुक करेंगे। इसको भी हम कवर कर देते हैं। दूसरी साइड को भी कुक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये बैंगन, बनके एकदम तैयार हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट पे। ये आप देखिए
बाकी के बैंगन भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। इसको भी कवर कर देते हैं और ऐसे ही कुक करते हैं। जैसे ही ये सारे बैंगन तैयार हो जाएंगे फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये भी बैंगन फ्राई हो चुके हैं, इसको हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये मसालेदार फ्राइड बैंगन बनके एकदम तैयार हो गए हैं। ये इतने टेस्टी बैंगन बनते हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं। और कितनी जल्दी से ये बन गए हैं आपने देखा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।